कार दोस्त, आज हम जानते हैं पिक्सल ऐप से पोस्टर है, बैनर है, वो कैसे बनाया जाता है। तो देखो हमारा मोबाइल स्क्रीन में किस तरह से हम बनाते हैं। तो सिंपली दोस्त, हम लोग को पिक्सल ऐप में जाना है और यहाँ पे जाके किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो हम ब्लॉक के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके ब्लॉक वाला सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देख सकते हो यहाँ लिखा है यूट्यूब चैनल ब्लॉक, तो हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देख सकते हो मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड हम लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, येलो, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं मेरे दोस्त, हम यहाँ पे जाएंगे और कुछ फोटो ले लेते हैं जो अच्छा लगेगा। तो सिंपली दोस्त देख सकते हो हम ये वाला फोटो ले रहे हैं, तो ये वाला फोटो ले लेते हैं। और यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन हम कुछ कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये फोटो नहीं चाहिए हमको, खाली बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड यहाँ से क्लिक करके हम ये वाला बड़ा कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देख सकते हो हम यहाँ पे बड़ा कर लिए हैं। यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि हम बना रहे हैं फोटो एडिट कैसे करें, गूगल से कटिंग कैसे करें, ऐसा कुछ बना रहे हैं। तो क्रोम से फोटो कैसे कटिंग करें, इसका पोस्टर हम बना रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे प्लस वाला आइकन में या क्रोम गैलरी में, और यहाँ से क्रोम का एक लोगो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रोम का एक लोगो है, ये गोल वाला आइकन में छू के जाके इसको बढ़िया से एडजस्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देख सकते हो यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, एडजस्ट करके इसको कटिंग कर देगा, तो देख सकते कितना बढ़िया से आ गया मेरे दोस्त। तो इसको यहाँ पे ले लेंगे और जाके यहाँ से इसमें थोड़ा सा राउंड शेप डालेंगे और अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पे जाके एक थो राउंड शेप लगा देते हैं और देख सकते हो मेरे दोस्त कितना हो गया। इसको हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, तो इतना रहने देते इतना अच्छा आया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो लिखने के लिए हमको ये आई ए वाला में जाके टेक्स्ट वाला प्लस टेक्स्ट में जाके एडिट वाला में क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो आ गया है। तो इसको हटा देंगे और हम कॉपी करके पहले से रखे हैं, आप लिख भी सकते हो। यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए कॉपी कर दिए हैं। तो देख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे हमारा हो गया है, तो इस तरह से लिखा गया है। इसको हम कम ज़्यादा जैसा भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और कम ज़्यादा जो भी करना है हम कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो ये लंबा होगा, लंबा करेंगे तो बड़ा होगा, जैसे भी करना चाहेंगे इसको साइज में करके यहाँ पे अच्छा सेटिंग कर देते। अब इसमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है, मोटा करना है, अच्छा करना है, तो यहाँ पे जाके इधर से जाके थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि अच्छा दिखे। इस पे राउंड लगाएंगे तो यहाँ पे जाके एक लगा देते हैं अच्छा तरह से दिखने के लिए। तो ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। इस पे हम कलर डालेंगे, कलर डालने के लिए हम कलर वाला सेक्शन में जाएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ देख सकते हो हम कलर में जाके कौन सा कलर करना चाहता है, वैल्यू कर सकता है, किसी भी कलर कर सकता है। तो हम अभी सिंपली वैल्यू ही रहने देते हैं, तो इसको वैल्यू कर लिए। और इसमें और इसको अच्छा दिखने के लिए हम और एक इफेक्ट लगाएंगे दोस्त, तो देख सकते हो इसमें हम ये वाला अलाउ कर देंगे तो और अच्छा से लग रहा है। अब हमको साइड में फोटो वगैरह भी लगाना है, तो पहले से हम कटिंग करके रखे हैं, आपका नहीं होगा तो आप कर लेना। तो हमारा वीडियो आ गया है, बैकग्राउंड फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें, तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में आई बटन में हम वीडियो दे देंगे, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे प्लस वाला फ्रॉम ग्रे में जाके फिर से ले लेंगे कटिंग वाला फोटो। कटिंग वाला फोटो हम पहले से रखे हैं मेरे दोस्त, आपको आपका नहीं होगा तो आप कटिंग कर लेंगे, वीडियो हम डाल देंगे, उसमें आई बटन में छू के जाके देख लेना बैकग्राउंड रिमूव कैसे करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रिमूव था ये वाला वीडियो फोटो का, हम एक फिर ले लिए। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पे लगा दी, तो देख सकते हो अपना हिसाब से लगा सकते हो मेरे दोस्त, तो हमें अपना हिसाब से लगा दे रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फिर यहाँ पे और कुछ भी लगाना चाहते हो वगैरह वगैरह तो लगा सकते हो। तो हम कुछ और लगा देते हैं, सिंपल ये सब पोस्टर बनता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ दिखाने के लिए, कुछ जानने के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं, मतलब ये पोस्टर बना रहे तो क्या चीज़ के लिए बना रहे। तो देख सकते हो एक तो ये जो पोस्टर है इसको लगा देते हैं, इसको गोल आइकन में कटिंग करके हम अच्छा से लगा दे रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ताकि पता चले देखने वाला को क्या चीज़ का पोस्टर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसको छोटा करके अच्छा से लगा देते हैं इस तरह से, और इसका साइड में जो है इफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे इफेक्ट डालने वाला तो आपको बता देते हैं, यहाँ से जाके जैसे करने से हो जाता है। यहाँ पे व्हाइट रख सकते हो, वेलो रख सकते हो, ग्रीन रख सकते हो, जिस तरह से रखना चाहते हो। तो हम इसको व्हाइट ही रहने देते हैं, व्हाइट अच्छा हमको लगता है इसलिए हम व्हाइट रहने देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ बगल में एक कटिंग वाला भी एक्शन दिखाना है, तो हम प्लस में फ्रॉम ग्रह में जाके फिर से एक वाला फोटो ले लेते हैं जो कटिंग पहले से है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये वही कटिंग है, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ से कटिंग ले लेते हैं ताकि हमारा पोस्टर लगेगा बढ़िया से। तो देख सकते हो मेरे दोस्त हमारा ये पोस्टर जो है कि बन के रेडी हो गया है। ठीक है मेरे दोस्त, हमारा जो पोस्टर है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे
सेव टू गैलरी में क्लिक करके इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे इस तरह से प्रचार उचार थोड़ा आता है, ये इसको हटा देना है और देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेव हो गया है। यहाँ पे मैनेजर फाइल में जाके चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा अभी जो बनाया ना मेरे दोस्त ओला पोस्टर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से बना सकते हो मेरे दोस्त, और हमारा चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हम ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आते हैं यूट्यूब के रिलेटेड। ठीक है मेरे दोस्त, बाय।